हेलो, जेई मेन्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये स्क्रू गेज पे बेस्ड मेरे दो क्वेश्चन हैं। स्क्रू गेज, स्क्रू गॉज, जो भी बोलना चाहो आप। इसके मैं अगेन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं उसके क्वेश्चंस पे कैसे उन्हें अप्लाई करना है ये बता रहा हूँ। स्क्रू गेज हैविंग 100 डिवीजन एंड पिच 1 mm, तो डायरेक्टली पहले इसका लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं। लीस्ट काउंट होगा पिच अपॉन, पिच कितना है, 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये आ गया 0.01 mm। नेक्स्ट, यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ अ वायर 5.6 सेंटीमीटर, और फिर इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, 0.001 सेंटीमीटर। ओके, मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm। तो 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। और 47th डिवीजन, अच्छा इससे हमें इससे निकलता है वो सर्कुलर स्केल रीडिंग। यह है 47 इंटू जो उसका लीस्ट काउंट है 0.001, दैट इज 0.047 सेंटीमीटर। तो जो नेट रीडिंग होगी, जो डायमीटर आएगा, वायर का डायमीटर आ जाएगा MSR प्लस CSR, यानी कि 0.147 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब हमें फाइंड करना है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होने वाली है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ये हो जाएगा, एक्चुअली 2 आर ले लेते इसे, चलो एनीवे 0.147 अपॉन 2, और एच जो उसकी लेंथ दे रखी थी 5.6। ऑलराइट, इसे थोड़ा एक्यूरेसी से करना पड़ेगा। 22/7 लिया जा सकता है, वैसे 3.14 लेना चाहिए। ये हुआ, इसकी मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसे मैंने रफली कैलकुलेट किया है, इसे एक बार आप कैलकुलेटर से भी चेक कर लीजिएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ 2 थे, तो इसलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आएगा। राउंड ऑफ कर देंगे, ये हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ बॉल इज मेजर्ड विद अ स्क्रू गॉज, स्क्रू गेज हुज पिच इज, सीधा सीधा पिच दे दिया, अच्छा पिच है और डिवीजन इतने हैं, तो फिर से लीस्ट काउंट निकाल देंगे 0.5 अपॉन 50, वंस अगेन 0.1 mm, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, 0.01 mm, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। ओके, 0.001 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग 2.5, और 20th डिवीजन मैच हो रहा है, तो
सर्कुलर स्केल रीडिंग 20 इंटू लीस्ट काउंट। वन मोर थिंग, ये एमएम में दे रखा है, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 0.25 सेंटीमीटर, 20 × 0.001 दैट इज 0.020 लिख लो सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर इज, डायमीटर फाइंड करना है तो डायमीटर हो जाएगा 0.27 सेंटीमीटर। आंसर को रिपोर्ट करने का तरीका, वैसे हो सकता है आंसर ऐसे दे रखा हो और हो सकता है कोई ऑप्शन ऐसे दे रखा हो, ये ज़्यादा सही तरीका है, क्योंकि लीस्ट काउंट डेसिमल के थर्ड प्लेस तक मेज़र हो रहा है, तो हमें भी आंसर को थर्ड प्लेस तक रिपोर्ट करना होगा। बट इन केस अगर वहाँ कोई ऑप्शन ये है और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही बेस्ट ऑप्शन होगा। एक्सपेरिमेंट बेस्ड और भी क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ, बने रहिए मेरे चैनल पे।